Hello friends, welcome to our channel BSA Online Easily Maths and Mix Classes. आज हम देखेंगे कि कैसे हम सेकंडों में किसी भी नंबर का हम क्यूब निकाल सकते हैं. चलिए हम इस ट्रिक को सीखते हैं. इस ट्रिक को जानने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 9 तक के आपको स्क्वायर याद कर लेना चाहिए. उसके बाद हमें 1 से लेकर 9 तक के क्यूब भी पता होने चाहिए. कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 से लेकर 10 तक के बाद जैसे कि 41, 53 लाइक ऐसे ही सबके वो याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के ही केवल याद करने हैं. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप बस इतना ही याद कर लें, इसके बाद आप आसानी से 1 से लेकर 99 तक के क्यूब निकाल सकते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये करते हैं हम लोग. तो देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे. तो इन टाइप के क्वेश्चन को सीखने के लिए आपके जो क्यूब निकालने के आपके 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है. तो पहली कैटेगरी में आपके जो नंबर आते हैं वो आते हैं, जैसे कि आप देखिए फर्स्ट कैटेगरी में वो नंबर आते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपका 11, 12, 13 इस टाइप से लेकर आपके 19 तक के नंबर. ओके, सेकेंड कैटेगरी में आपके नंबर आते हैं जिनके लास्ट में 1 होता है, जैसे कि 21, 31, 41, 51 ऐसे करके 91 तक के नंबर, ये आपके सेकंड कैटेगरी में आते हैं. ओके, थर्ड कैटेगरी में हमने वो नंबर लिए हैं जो आपके डबल होते हैं, जैसे कि आपके देखिए 11, 22, 33 इस टाइप से लेकर आपके 99 तक के नंबर. और फोर्थ कैटेगरी में आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं जो दोनों ही डिजिट जिनके अलग अलग, जैसे कि आपने ले लिया यहाँ पर 35, 53 जिसमें देखिए आपका ये और ये नंबर आपके दोनों ही अलग अलग हैं ऐसे. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी का क्यूब कैसे निकालेंगे, देखते हैं. तो देखिए, तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 12. ठीक है, आपका ये फर्स्ट कैटेगरी का है. तो देखते हैं कि 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे. तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं हम लोग 12 को ऐसे ही लिख लेते हैं. उसके बाद जो हमारा लास्ट यूनिट मतलब जो लास्ट हमारा डिजिट है इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे. तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4. उसके बाद क्या करेंगे, इसी लास्ट डिजिट का हम लोग क्या कर लेंगे, क्यूब निकाल लेंगे. तो 2 का क्यूब हमारा क्या होता है 8. ओके, अब उसके बाद हम लोग फर्स्ट और लास्ट प्लेस को ऐसे ही छोड़ देंगे. तो जो बीच वाले हमारे जो नंबर बचेंगे, हमारे क्या नंबर बचे 2 और 4, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हम लोग डबल कर लेंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 2 का डबल हमारा क्या हो जाएगा 4, और 4 का डबल हमारा हो जाएगा 8. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 8. ठीक है, 8 और 4 12, 1 कैरी हो गया, 4 2 6 और 1 7 और 1. तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, 12 का क्यूब हमारा क्या आ गया 1 7 2 8. इस मेथड को अभी हम एक और इसी मेथड को हम लोग एक और एग्जांपल से देखेंगे ताकि हमें ये मेथड और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. तो देखते हैं एक और एग्जांपल. तो देखिए हमने एग्जांपल में ले लिया है हमने आपका 14. ठीक है, 14. अब इसका क्यूब देखते हैं कैसे निकलेगा. तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था. हमने यहाँ पर क्या लिखा, पहले 14 ऐसे ही लिख लिया. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस 4 लास्ट वाला प्लेस है इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे. तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. उसके बाद इसी लास्ट प्लेस का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे. तो 4 का क्यूब हमारा क्या होता है 64. अब क्या करेंगे हम लोग, पहला वाला और लास्ट वाला क्या करेंगे हम लोग, डिजिट को छोड़ देंगे, पहले वाले को लास्ट वाले टर्म को हम लोग छोड़ देंगे, और जो बीच में बचा हमारा जैसे 4 और 16, 4 और 16 बचा, इसको हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे. तो 4 का डबल हमारा क्या हो जाएगा 8, और 16 का डबल हो जाएगा हमारा 32. ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको वैसे ही पहले की तरह प्लस कर लेंगे. तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग, जैसे कि यहाँ पर आया हमारा 64, तो हम लोग इसका क्या लेंगे, यूनिट प्लेस लेंगे, और जो हमारा 6 बचेगा इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे जो यहाँ पर आ जाएगा. अब इसको ऐड कर ले रहे हैं 6, 6, 12, 2, 14, 1 कैरी 3, 1 4 और 5. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी हम लोग यूनिट प्लेस लेंगे, और जो हमारा 5 आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे. अब क्या हो जाएगा हमारा 8, 4, 12,
ट्वेल्व फाइव सेवेंटीन और हमारा वन कैरी और हमारा आ गया टू। तो हमारा इस तरीके से 14 का क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, 2744। देखा 2744, ठीक है। उम्मीद है आपको यह वाला एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड कैटेगरी वाले नंबर, जैसे कि हमने लिए थे जिनके लास्ट में आपके क्या आते हैं, वन आते थे, 21, 31, 41, उसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोगों का कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अब हमने एग्जाम्पल में ले लिया हमने आपका 21, ठीक है। अब 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे तो ये देखना है। इसमें भी वही करते हैं जैसे हम लोग की फर्स्ट कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी भी बिल्कुल वैसे ही है। तो देखिए क्या है, इसमें हम लोग पहले लिख रहे थे, अब की बार हम लोग इसे राइट साइड में लिख लेंगे 21, ठीक। हमने इसे राइट साइड में लिख लिया। अब जो हमारा जो पहला वाला नंबर है इसका ही हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे और इसी नंबर का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब निकाल लेंगे। तो 2 का क्यूब हमारा आ गया 8। फिर वही करना है, फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस को ऐसे ही छोड़ देना है और जो हमारे जो बीच वाले नंबर आते हैं इनका क्या करना है, हम लोगों को डबल करना है, मतलब इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ 8 और 2 2 ज़ 4। अब इसके बाद आपको ऐसे जोड़ दीजिए, अब इसे सिंपल 1 4 2 6, 8 4 12 और 12 वन कैरी बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो 8 1 9। इस तरीके से आपका 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9261। चलिए इसी कैटेगरी के सेकंड कैटेगरी को एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके समझ में आ जाए। तो देखते हैं, अब हमने एग्जांपल लिया है 51, तो देखते हैं 51 का क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें वही करेंगे, हम लोग पहले 51 को हम लोग राइट साइड में लिख लेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट वाली जो जो आपका नंबर है उसका क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे, जो कि हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का, 25, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसने किया इसके बाद हम लोग इस नंबर का क्यूब निकालेंगे, ओके। तो हम लोग 5 का क्यूब निकाल दे रहे हैं, हम लोग का आ गया 125। अब क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट और लास्ट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और जो हमारा जो बीच में नंबर बचेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा 25 का डबल हमारा हो जाएगा 50 और 5 का डबल हो जाएगा हम लोगों का 10 और उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ठीक। तो 1 तो कुछ है नहीं, 10 5 15। हम लोग इसका लास्ट वाला डिजिट लेंगे और जो वाला जो नंबर बचेगा इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैरी में ऐड कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 5 1 6, 5 2 7। अब क्या करेंगे, हम लोग 6 को लिख लेंगे और 7 को हम लोग क्या कर देंगे, कैरी में भेज देंगे। अब 7 हमारा आ गया इधर, तो 7 5 12 2 1 3 और 1। तो इस तरीके से हमारा 51 का क्यूब हमारा क्या आया, 1 3 2 6 5 1, ओके। तो ये वाले जो आपके क्वेश्चन थे, ये जो आपके क्वेश्चन थे, ये सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन थे। अब आप देखिए थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन, जिसमें आपके नंबर पेयर में होते हैं, आपके जो नंबर जिसमें पेयर में दिए होते हैं, तो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग पेयर वाले नंबर का क्यूब निकाल लेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपके लिए यहाँ पर 22। तो इसका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2 2 है, इनको हम लोग क्यूब निकाल लेंगे, इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे। तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8 8 8 एंड 8। तो इस तरीके से हम लोग जो ये दो नंबर है इसका हमने 2 बार निकाल लिया और इस नंबर का हमने 2 बार क्या कर लिया, क्यूब निकाल के रख दिया। इस तरीके से हम लोग को 4 बार ये करना है, ठीक है। उसके बाद वही करते हैं जैसे पहले वाले में मेथड में किया था हम लोगों ने, फर्स्ट कैटेगरी में किया, तो उस तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे। फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और जो हमारे बीच वाले नंबर होंगे उनका डबल कर देंगे। तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 और उसके बाद जैसे सब में करते हैं वैसे इसमें ही करेंगे। तो आप इसको ऐड करेंगे तो इसको आ जाएगा हमारा 8 16 और 8, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 24।
अब क्या करेंगे हम लोग, इसका लास्ट वाला डिजिट रखेंगे और टू वाले को हम लोग कैरी में भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारा टू आ जाएगा। 8 9 10 16 10 26 लास्ट वाला प्लेस रखेंगे, लास्ट वाले डिजिट को रखेंगे और टू को हम लोग कहाँ भेज देंगे, कैरी में भेज देंगे, और 8 और 2 10 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 22 का जो हमारा क्यूब आएगा वो हमारा क्या आएगा, 10648। ओके, इस क्वेश्चन इस कैटेगरी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, 44, ठीक है। तो 44 का हम लोग को क्यूब निकालना है, तो इसमें भी वही करना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। अब 4 का क्यूब लिख देंगे हम लोग 64, चार बार लिखना है इसको, 64 64 और 64। इसके बाद हम लोग देखते हो क्या, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को छोड़ देंगे और बीच वाले जो टर्म बचेंगे उनका डबल करेंगे। तो 64 का डबल हमारा क्या हो जाएगा, 128 128, और उसके बाद प्लस कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर आया 64। तो हमने लास्ट वाला इसका डिजिट रखेंगे और 6 को हम लोग कैरी में भेज देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6। उसके बाद ऐड करेंगे 6 4 10 और 8 18 18 का 1 कैरी, 6 7 8 9 और 1। अब 8 को हम लोग ऐसे रखेंगे और 19 को इधर कैरी में भेज देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 9 8 17, ठीक है, 17 और 4 21 का हमारा 2 कैरी लग जाएगा, 2 1 3 4 5 6 11 का 1 1 1 2। इसमें भी हम लोग क्या, ठीक है, तो हमारा इसमें क्या आ गया, 2 1 1। हम लोग क्या करेंगे, इसका भी लास्ट प्लेस छोड़ देंगे और 21 को इसमें कैरी के रूप में ले लेंगे, तो 4 और 1 5 और 6 7 8। ओके, तो हमारा 44 का इस तरीके से हमारा क्यूब क्या आ जाएगा, 8 5 1 8 4। ओके, 8 5 1 8 4। ओके, अब हम लोग फोर्थ कैटेगरी क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये अलग कैटेगरी भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फोर्थ कैटेगरी का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे लिए हमने 53, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 53। इसका देखते हैं हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए आपका जो फर्स्ट नंबर और जो सेकेंड नंबर, इसका क्या करेंगे हम लोग क्यूब लिख लेंगे। पहले 5 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 125, इसको हम लोगों ने एक साइड में लिख लिया, और 3 का क्यूब हमारा क्या होगा, 27, इसको एक अलग साइड में लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर होगा हमारा 5 का स्क्वायर 25, और इस वाले 25 को नेक्स्ट वाले नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 75। तो इस 75 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सेकेंड टर्म के रूप में। उसके बाद ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9, और इसको फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, 9 5 45। इसको थर्ड टर्म के रूप में हमने लिख दिया। उसके बाद जैसे सभी क्वेश्चनों में करते थे, सारी कैटेगरी में जो सीखा वही इस कैटेगरी में करना है, फर्स्ट कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी को छोड़ देना है, और जो बीच वाले आपके नंबर है इनका हम लोगों को डबल करके लिखना है। तो 75 का हमारा जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 150, और 45 का डबल हमारा क्या होता है, 90, और इसको हम लोग को बिल्कुल वैसे ही प्लस कर देना है। तो हमने यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 27 आ जाएगा, प्लस करेंगे जब, जो हमारा 2 होगा वो हमारी कैरी के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, 5 2 7 9 4 आपका आ जाएगा 13। ओके, अब इस 13 को हम लोग क्या करेंगे, वही जो करते हैं, लास्ट वाला डिजिट अपने रखा और इस 13 को हम लोग कहाँ करेंगे, कैरी में भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या आ जाएगा, 538 7 5 12 और 13 1 1 2 238। लास्ट डिजिट रखा, 23 को हम लोग कहाँ कहाँ भेज दिया, कैरी में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 538 224 और 1। तो इस तरीके से हमारा जो 53 का क्यूब आएगा वो हमारा क्या आएगा, आपका 1 4 8 8 7 7 1 4 8 8 7 7। ओके, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो।
लेकिन अगर आपकी कोई क्यूरी हो, आपको कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।